नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों के सितारे में चर्चा करेंगे हम यहां पर आज के राशिफल, आज के कम्युनिटी बाजार और शेयर बाजार की। सबसे पहले जानेंगे आज आपका राशिफल कैसा रह सकता है, और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी ग्रुप कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश जी एवं मार्केट टाइम्स सभी के सभी दर्शक बंधुओं। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 30 मई सन 2022 भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की होती है 3 राशियां, मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके दिन अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। पृथ्वी तत्व की हैं 3 राशियां, वृषभ, कन्या और मकर राशि, यानी 2, 6, 10 मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आज का दिन संभवतः इतना शुभ ना रहे, दिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आपके लिए दिन मिश्रित रहने की संभावनाएं बनती है। ये जी गणेश जी, ये से कर्नल जी अगर मुड़े अगर कमोडिटी बाजार की तरफ, वो भी कृषि फसलों में, तो आज किस मसाले में आपको क्या संभावना नजर आ रही है? देखिए, मसाला पैक के अंदर जैसे धनिये की मैं बात करूं तो धनिये के अंदर उतार पिछले कुछ सप्ताह से लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, क्योंकि धनिये के एक्सपोर्ट के ऊपर खबर निकल के आ रही है कि वहां पर भारतीय धनिया महंगा होने की वजह से कुछ निर्यात के अंदर कुछ थोड़ा सा पॉज आया हुआ है। इसके अतिरिक्त रशियन कोरिएंडर भी बाजारों के अंदर उपलब्ध है, और इसी वजह से धनिये के अंदर बहुत तेजी से मूवमेंट नहीं हो पाई पिछले कुछ सप्ताह में, जबकि धनिये ने बहुत शानदार मूवमेंट दे दी थी कि 6500, 6800 का जो धनिया वो 12,000, 13,000 के स्तर तक पहुंच गया था। लेकिन उतार चढ़ाव बाजार के अंदर के रहने के बावजूद धनिये के अंदर आज उसको सकारात्मक उन्मुख नजर आ रहा है, और लेकिन समय पर जो मुनाफा वसूल कर ले वही सिकंदर होता है इस बाजार में। और खासकर जीरे के ऊपर भी मैं यही आपको कहूंगा कि आज निचले स्तर पर जीरे के अंदर कुछ खरीदारी लौट सकती है, लेकिन जो इंटरडे ट्रेडर है, यानी दैनिक तेजी मंदी कार्य करने वाले व्यापारी या निवेशक हैं, वो समय पर मुनाफा वसूल कर लें तो बहुत बहुत उचित रहेगा। जी अखिलेश जी। जी कन्हैया जी, यहीं से कन्हैया जी बात करें अगर अब गेहूं की, तो गेहूं में क्या संभावना नजर आ रही है आपको ज्योतिष के अनुसार? देखिए, गेहूं पर आपको याद होगा कि आपके साथ एक विशेष इंटरव्यू था जब सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। उस वक्त भी हमने यही कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं की कीमतें बढ़ने की पूरी संभावना बनती है, और वैसे ही हुआ, और गेहूं ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर पिछले कई सालों का उच्चतम स्तर देखा गया। अब जहां तक गेहूं का सवाल है, यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 11 करोड़ से अधिक का उत्पादन का लक्ष्य रकबे के आधार पर भारत सरकार ने तय किया था कि गेहूं की फसल इस बार, लेकिन उसके बाद सरकार ने करीबन 10,64,00,000 का अंदाजन लक्ष्य से कम उत्पादन की घोषणा की, जो 11 करोड़ से ऊपर का था। और उसके बाद भी यही एक बधाई कि मार्च के अंदर जो तेज गर्मी रही और लू चली, उससे गेहूं की फसलों को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही गिरावट हुई, और जिसका पूरा अनुमान विश्लेषण हमने आपको भी दिया था। अब महत्वपूर्ण खबर निकल के ये भी आ रही है कि अमेरिका की जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कृषि विभाग है, वो भी पूरे विश्व के ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी करता है, और वो काफी रिलायबल भी मानी जाती है। कि उसने आपको याद होगा कि कॉटन पे भी जो खबर दी थी, सोयाबीन पे भी जो थी, वो काफी सत्यता के नजदीक मानी गई, और उसका वहा तो अमेरिकन सेवा के हिसाब से कि भारत के अंदर 9,90,00,000 टन का उत्पादन गेहूं का होने की अनुमान लगाया गया है। अब ये गौरतलब है कि ये सरकारी आंकड़ों का रिवाइज आंकड़ों से भी कम है, क्योंकि उसमें 10,64,10,00,000 के आसपास का था, तो उससे भी यानी 70,00,000 टन जो है गेहूं की जो उत्पादन है वो कम का अंदेशा हुआ है। उसके बाद बावजूद कुछ हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया है काफी बड़ी तादाद में। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि कंजम्पशन क्या है, क्योंकि जब तक कंजम्पशन की बात नहीं समझे, यानी उत्पादन की तो हम बात करते हैं, उपभोग कितना होने की संभावना है, तो आंकड़ों के हिसाब से और पुराने आंकड़े इस तरह का एक विश्लेषण करके निकल के आ रहा है, तो लगभग 10 करोड़ 90 लाख 10 करोड़ के आसपास का जो है वो उपभोग माना जाना चाहिए। अब लेकिन एक चिंता की बात यह है कि भारत सरकार के जो गेहूं के भंडारण हैं उनका करीबन 4 करोड़ 44 लाख टन का खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जो घट के भारत सरकार ने 1 करोड़ 90 लाख के आसपास किया है। तो वो लक्ष्य से खरीदी का लगभग 50 से 55% कम है। तो कुल मिला के ये बाजारों के अंदर काफी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। और क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई का अंत भी अभी कोई खास अभी नहीं आ रही है। कल जरूर है कि रशिया कुछ यूरोपियन यूनियन में कुछ बैठकें हैं, उसके अंदर रशिया ने एक इल्तिजा की है कि वो यूक्रेन से बात करने को तैयार है। अब देखना यह है कि यूरोप उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस में छूट देते हैं या नहीं देते हैं। और यूक्रेन को यूरोप की रोटी की टोकरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जितना अनाज यूक्रेन यूरोप को देता है वो उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कुल मिला के वीट के अंदर काफी वॉलेटिलिटी रहने की संभावना है। जून महीने में कैसी बड़ी तेजी और बड़ी मंदी की है, उसके ऊपर हम विशेष एक इंटरव्यू भी करने की कोशिश करेंगे, उसमें डिटेल में हम और भी बात करेंगे, लेकिन अभी वॉलेटिलिटी रहने की संभावना है। जी कर्नल जी, ये से कर्नल जी बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो अब ऐसी खबरें निकल के सामने आने लगी है कि जो रशिया है वो यूक्रेन से निर्यात होने वाले तेल को परमिशन दे सकता है कि चलो हाँ, जिस हिसाब से वैश्विक बाज़ार में खाद्य तेल की किल्लत हो रही है तो उसके लिए वो मान सकता है कि यूक्रेन से खाद्य तेलों का एक्सपोर्ट हो जाए। ऐसी अभी विदेशों से खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तो कर्नल जी, अगर ऐसा होता है तो खाद्य तेलों का बाज़ार अब कैसा रहेगा? फिर देखिए, यूक्रेन से ज्यादातर जो एक्सपोर्ट होता है वो सनफ्लावर ऑयल का होता है, यानी सूरजमुखी तेल का है, क्योंकि और जबकि बाकी जो खाद्य तेल है पाम ऑयल वो ज्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया से उसका काफी उस पर निर्भर करता है। अर्जेंटीना और लैटिन अमेरिका के देश जो हैं उनसे भी काफी महत्वपूर्ण फर्क आता है। ब्राजील के और देखें और यूएस के अंदर भी जो है जो सोयाबीन जो है वो भी वहां पे एक्सपोर्ट काफी होता है। लेकिन कुल मिलाकर यदि यूक्रेन से सूरजमुखी तेल के निर्यात में यदि सुगमता हो जाएगी तो खाद्य तेलों की आवाजाही में काफी फर्क पड़ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा ऐसा भी कोई संभावना नहीं आती, क्योंकि यूएस के अंदर जो मौसम है उस मौसम के हिसाब से जो सोयाबीन की जो अभी जो बुआई वगैरह है उसके अंदर काफी फर्क पड़ने की सूचना मिल रही है जी। और दूसरा चीज जो क्योंकि क्या होता है कि ऊन उत्पादन जो है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो सोया पे जो एक खबर थी कि चाइना ने सोयाबीन का जो आयात किया था उसमें कमी थी, इसके वजह से स्टॉक में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई थी। और लेकिन अब चाइना जब जून के प्रथम सप्ताह में लॉकडाउन खुल जाएगा तो मुझे लगता है कि चाइना से जो आयात में कमी थी वो पूरी होगी, और वो सोयाबीन का सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो भारत के साथ साथ चाइना नंबर 1 पे आता है। तो हमें चाइना के ऊपर अधिक नजर रखनी चाहिए बनस्पत यूक्रेन के सनफ्लावर के लिए, क्योंकि सोयाबीन पाम और ये जो सोयाबीन पाम ऑयल जो है ये खाद्य तेलों में प्रमुख रोल अदा करते हैं। सनफ्लावर का रोल थोड़ा सा कम है, लेकिन सनफ्लावर का यदि यूक्रेन से आ जाता है तो निश्चित रूप से बाजारों में कुछ सुगमता बढ़ेगी और वॉलेटिलिटी कम होने की संभावना बनेगी। जी कर्नल जी, खबरें तो चावलों की भी निकल के सामने आ रही है कि चावल पे भी कुछ संकट के बादल छा सकते हैं, निर्यात बंद हो सकता है। लेकिन सूत्रों से पता चला है कि चावल पर सरकार निर्यात बैन करने का कोई विचार नहीं बना रही है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है, सरकार की कोई खबर नहीं है अभी तक ऐसी। तो आपको क्या लगता है, क्या ज्योतिष के हिसाब से और आपके एनालिसिस के आधार पर क्या चावलों के ऊपर अभी कुछ संकट के बादल छा सकते हैं निर्यात को लेकर? देखिए, चावल के अंदर जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि चावल के जो दाम हैं वो कोई ऐसी बड़ी संख्या बड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़े नहीं है। दूसरा, चावल का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो भारत माना जाता है। लगभग 150 देशों को चावल निर्यात करने वाला भारत है। और राइस का जो प्रोडक्शन है, अवेलेबिलिटी है, वो इस स्तर पर यदि वो बैन होता है तो चावल के व्यापारियों को और किसानों को निराशा होगी। और मुझे नहीं लगता कि सरकार इस दिशा में, क्योंकि इन्फ्लेशन के अंदर जो महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि खाद्य तेलों में पिछले साल से लगभग 85% की तेजी है, उसके ऊपर इन्होंने काम किया है। साथ साथ जो पल्सेज हैं, पल्सेज में भी 25-30% की तेजी है, उसके ऊपर भी इन्होंने काम कर रखा है, क्योंकि ड्यूटी फ्री कर रखा है मोनजोबिक से और तंजानिया वगैरह से और म्यांमार वगैरह से। अब जो मेन जो कंसर्न है, वो मेन कंसर्न इनको अभी इन्फ्लेशन रोकना है, तो उसके लिए फौरी कदम जो उठाए हैं सरकार ने, वो है पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी। वो उन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि जो मोटे तौर पे जो तेजी रही, और गेहूं के अंदर साल भर के अंदर भी 20 से 25% की तेजी रही, तो उसके ऊपर भी इन्होंने निर्यात लगा दिया है। लेकिन चीनी के ऊपर जो इन्होंने निर्यात लगाया वो एक बड़ा असमंजस वाली स्थिति रही थी, क्योंकि 355 लाख टन का इनका प्रोडक्शन था और जो पिछले साल के बनस्पत 305 लाख टन से अधिक था। और सरकार ने 85 लाख टन तो ऑलरेडी चीनी की एक्सपोर्ट कर ही दिया है, तो 5-7 लाख टन की वजह से इन्होंने जो किया है। लेकिन चीनी के जो दाम थे पिछले 5 साल में अपेक्षाकृत बढ़े नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक एहतियाती तौर पर ये कदम उठाया है। तो मुझे लगता है कि चावल पर एक्सपोर्ट पे बैन लगाने की सरकार को शायद अब जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, यहीं से कर्नल जी रुख करें अगर नॉन एग्री कम्युनिटीज की तरफ, तो आज बुलियंस में क्या लगता है आपको? देखिए, सोने और चांदी के अंदर बहुत तेजी से वॉलेटिलिटी बढ़ी। मुझे लगता है कि यहाँ से बुलियन के अंदर शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, यानी बिकवाली करने से बचना चाहिए, और इसमें मुझे तेजी की संभावना अधिक नजर आ रही है। जी, ये से कर्नल जी स्टॉक मार्केट कैसी रह सकती है आज, और किन स्टॉक्स में आज बच के चलना चाहिए, किन स्टॉक में आज इन्वेस्ट करके चलना चाहिए? देखिए, जैसे ही इकोनॉमी की रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन एक चिंताजनक 3-4 बिंदु स्टॉक मार्केट के लिए हमें सोचना पड़ेगा। नंबर 1 कि विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार माल बिकवाली कर रहे हैं, भारतीय रुपया का लगातार डिवैल्यूएशन हो रहा है। यद्यपि आज 25-27 पैसे भारतीय रुपया सुधरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी ये चिंताजनक स्तर के ऊपर है। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण जो इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा है, और इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी के और भी संकेत शायद सरकार ने दे दिए। तो कुल मिला के जो शेयर बाजार के लिए जो है आज जो तेजी है, वो आज तेजी रहने की संभावना जरूर बनती है, जिसमें खासकर मेटल, सीमेंट और सूचना एवं प्रौद्योगिकी के जो स्टॉक हैं, जैसे IT सेक्टर के, उसके अंदर मूवमेंट अच्छी बनने की संभावनाएं नजर आती है, और वो तेजी दिखा सकती है, क्योंकि भारतीय रुपये की कमजोरी का फायदा सीधा सीधा सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी IT स्टॉक को मिलता है, तो वो फायदा मिल रहा है। दूसरा, क्रूड के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, 114 से ऊपर के भाव चल रहे हैं, और क्रूड के अंदर तेज आ गया है। तो ये सब चीजें को लगता है कि मुझे कि भारतीय बाजारों में आज तेजी की संभावना बन सकती है। लेकिन जो निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट की तेजी जो है, और बैंक निफ्टी में करीबन 400-450 पॉइंट की जो तेजी है, इसके अंदर यदि आपको अच्छा पिछले निवेश के अंदर आपने पैसा कमाया है और अच्छा पैसा मिल रहा है, तो उसके अंदर धीरे धीरे कुछ मुनाफा वसूली अवश्य कर ले, तो हो सकता है आने वाले 2 से 3 दिन बाद बाजारों में एक बार पुनः कुछ गिरावट की संभावना बने। क्योंकि तेजी आए तो हमेशा बेच लेना चाहिए, गिरावट आए तो खरीदना चाहिए, ये निवेश का सबसे बड़ा निवेश का मूल मंत्र है। ये जी कन्हैया जी, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है आपका स्टॉक मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।